नमस्कार आदाब, क्राइम पेट्रोल डायल 100 के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में आप सबका स्वागत है। एक ऐसा आम इंसान जिसने कभी किसी का बुरा ना किया हो, कभी कोई ट्रैफिक सिग्नल ना तोड़ा हो, कभी किसी टिकट काउंटर की क्यू ना तोड़ी हो, अपने सारे बिल्स, अपनी सारी ईएमआईज टाइम टू टाइम भरी हो, जिसने हर नियम कायदे को अपनी जिंदगी का सिद्धांत बना लिया हो, ऐसा इंसान जब अपने घर से बाहर निकलता है तो वो यही उम्मीद लेकर निकलता है कि बदले में उसे भी सिर्फ भलाई ही मिलेगी। लेकिन 12 अगस्त 2017 की रात को दिल्ली एनसीआर नोएडा में कुछ ऐसा होने वाला था कि एक आम इंसान बड़े ही अजीबोगरीब तरीके से एक जुर्म का शिकार होने वाला था। कॉन्फ्रेंस बहुत बोरिंग थी, बट फूड वाज सो नाइस। पनीर तो बहुत मजेदार था भाई। Yes, Dr. Shridhar. Are you all right? Yeah, I'm fine. What you Delhi people call that small beans? Rajma. Yeah, Rajma. वो थोड़ा ज़्यादा खाई, so. तेरा हाजमा बिगड़ गई. Yeah, by the way, I'm getting late. Okay, मेरी last metro निकल जाएगी. नहीं निकलेगी. I'll drop you to the metro station. Okay, come. See you, doctor. Relax, Baba. I'll drop you in time. But drive safely. I always do. वैसे डॉक्टर श्रीधर, why don't you buy a car? मतलब डॉक्टर होकर अभी तक इतना भी जमा नहीं किया। डॉक्टर राजेश, actually मेरा फैमिली का responsibilities are very big. Car is not my priority. ये सिग्नल क्यों तोड़ी? तो क्या हुआ? इस सिग्नल पे सीसीटीवी नहीं था, डोंट वरी। सो व्हाट, यू दिल्ली वालास ना, यहाँ सब चलती। क्यों, तुम्हारे चेन्नई में लोग सिग्नल नहीं तोड़ती? तोड़ती होगी, बट इन दिल्ली एंड एनसीआर सब रूल्स तोड़ती। लो आ गया तुम्हारा स्टेशन, टाइम से पहले ही छोड़ दी। ओनली 3 मिनट्स बिफोर। हेलो, सिग्नल नहीं तोड़ती ना तो ये 3 मिनट्स भी नहीं मिलती। बट मैं अभी भी यही कहती कि तुमने सिग्नल तोड़ के गलत की। माय लेक्चर कल दे देना, नाउ यू गो, यू गेटिंग लेट एंड यू ऑलरेडी वेस्टिंग। या बट देन इट सिंपली या तेरा सिग्नल तोड़ने का भी फायदा नहीं हुई, ट्रेन छूट गई। बट डोंट वरी, आई विल टेक अ कैब फ्रॉम हियर एंड आई होप सो व्हेन यू आर लिसनिंग दिस यू आर नॉट ड्राइविंग। ओके, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। हाँ, ये श्रीधर भी कहाँ फंस गया। हेलो सर जी, हेलो, कैब बुक की थी आपने? यस सर, यू मिस्टर श्याम सुंदर? हाँ जी, आज बैठो। सर जी वो कोड बता दो। 7787। हाँ जी। हे प्लीज, म्यूजिक स्टॉप। नो म्यूजिक। नो प्लीज, थोड़ा म्यूजिक बंद कर देगी? कर दोगी? मैंने तुम्हारा वॉइस मैसेज कार चलाते हुए ही सुना, बट डोंट वरी, मैं सेफली घर पहुंच गया हूं एंड आई होप तुम्हें भी कैब मिल गई होगी। गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स डॉक्टर। हे, तुम क्या करती? प्यास लग रही थी सर जी। तो कैब साइड में रख के पीती ना, कृपया सामने देख के चलाएंगी। ओनली सेफ ड्राइव कैन मेक पीपल हैप्पी, यही बोलती ना तुम हेलो कैब वाली? गलत बोल रहे हो आप, वी ड्राइव पीपल हैप्पी सर जी, ये स्लोगन है हेलो कैब का। और जी पैसेंजर ही हैप्पी है, ड्राइवर की तो जिंदगी खराब है, लगी पड़ी अपनी। Why? Tell me your issue. If it's genuine, then I'll raise it through the social media. सर जी अंग्रेजी नहीं आती, हिंदी में बोलो ना। बोलूंगी, बट प्लीज कृपया सामने देख के चलाएंगे, सावधानी हटती तो दुर्घटना घटती। साले लुगाई समझ रहा है? कर दूंगी, क्या कर रहा है तू? साले लुगाई समझ रहा है? I will complain। अरे क्या कंप्लेन?
क्यों करती तू? जेंटलमैन प्लीज मेरा मदद करिए, ही इज हिटिंग मी प्लीज। अरे साला पूरा स्त्रीलिंग है साला, इसको मार साले। 12 अगस्त की रात को डॉक्टर श्रीधर जिस हेलो कैब से अपने घर जा रहे थे, उसी हेलो कैब के ड्राइवर ने उन्हें अपने साथियों के साथ किडनैप कर लिया था। हेलो कैब ग्राहक सेवा केंद्र से मैं ऋतु शर्मा बात कर रही हूँ, बताइए सर मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, हाउ आर यू? हेलो, तेरा सिग्नल तोड़ने का भी फायदा नहीं हुई, ट्रेन छूट गई। बट डोंट वरी, आई विल टेक अ कैब फ्रॉम हियर एंड आई होप सो व्हेन यू आर लिसनिंग दिस यू आर नॉट ड्राइविंग। तो कहाँ का सिग्नल तोड़ा था तुमने? सर सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन के बाहर वाला सिग्नल। सिग्नल नहीं तोड़ना चाहिए था, दैट्स रॉन्ग। आई नो सर, लेकिन सर डॉक्टर श्रीधर को कल रात 11:30 की लास्ट मेट्रो पकड़नी थी। मेट्रो छूट गई, वो कैब लेके घर गए। कौन सी कैब ली थी उन्होंने? सर वो तो नहीं पता, लेकिन आज सुबह जब वो हॉस्पिटल नहीं आए तो मैंने उन्हें कई बार फोन किया, लेकिन सर उनका फोन कॉन्स्टेंटली स्विच ऑफ था। क्या हुआ राजेश, बहुत टेंस लग रहा है? यार ये श्रीधर पता नहीं कहाँ गया है सुबह से, उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। कहीं राजमा सच में हाजमा तो नहीं बिगाड़ दी उसका? मजाक नहीं यार, श्रीधर 5 मिनट भी लेट होता है ना तो पहले ही इन्फॉर्म कर देता है, कुछ तो गड़बड़ है। वेयर आर यू श्रीधर? सर 4 बजे तक उनका कोई रिप्लाई नहीं आया, तो फिर मैंने चेक किया, वो मेरे सारे मैसेजेस पढ़ चुके थे, सो आई कॉल्ड हिम अगेन। श्रीधर वेयर आर यू? आई एम ट्राइंग टू कॉल यू सिंस मॉर्निंग यार। ओ अंग्रेज की औलाद, गणेश चटर पटर ना करे। आप कौन बोल रहे हैं? और ये तो डॉक्टर श्रीधर का नंबर है ना, वो कहाँ है? मेरी भैंस का दूध निकाल रहा है। अंदर। एक मिनट, आप हैं कौन? अपनी माँ से जाकर पूछ तेरा बाप कौन। सर वो बहुत गंदी गंदी गालियां दे रहा था, फिर बोला उसे डॉक्टर श्रीधर का फोन नोएडा सेक्टर 15 में पड़ा मिला है। उनका नंबर है? हाँ सर ये लीजिए। और कुछ हुआ था उस दिन? नहीं सर और तो नहीं, बस आई केप्ट ट्राइंग कॉलिंग हिम सर। सर फोन स्विच ऑफ जा रहा है बीपी। ये डॉक्टर श्रीधर रहते कहाँ हैं, उनकी फैमिली वगैरह? सर उनकी फैमिली तो चेन्नई में रहती है, लेकिन वो खुद यहाँ मयूर विहार में रहते हैं सर, फेज 1 में अकेले। लेकिन सर उनका घर लॉक्ड है, और मैंने चेन्नई में उनकी मदर को भी फोन किया था पर। हेलो। हेलो आंटी, आंटी मैं डॉक्टर राजेश। आंटी डिड श्रीधर कॉन्टैक्ट यू टुडे? नो, व्हाई आर यू आस्किंग दिस? लेकिन सर डॉक्टर श्रीधर ने कल से अपनी मदर को भी फोन नहीं किया है। सर मैंने उन्हें ज्यादा कुछ तो नहीं बताया, सोचा उन्हें टेंशन हो जाएगी, लेकिन सर इट्स वेरी सीरियस। आपके पास डॉक्टर श्रीधर की कोई फोटो है? यस सर। सर क्या डॉक्टर श्रीधर के साथ किसी की दुश्मनी, लड़ाई झगड़ा ऐसा कुछ? नहीं सर, वो तो बहुत सीधे और सच्चे इंसान है सर। कल मैंने सिग्नल तोड़ा तो उस पर भी उन्होंने मुझे लेक्चर सुना दिया। ही इज अ राइटियस गाय सर, प्लीज फाइंड हिम। उनकी मदर ने उन्हें बहुत मेहनत करके डॉक्टर बनाया है सर, उनके ऊपर उनकी फैमिली की बहुत जिम्मेदारियां हैं। अम्मा, डॉक्टर राजेश बोला था अन्ना का फोन खोया। डोंट वेरी अम्मा, विल बी फाइन। अम्मा डॉक्टर श्रीधर पिछले 2 सालों से दिल्ली NCR नोएडा के एक हॉस्पिटल में अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे। वो अपने परिवार से दूर मयूर विहार में अकेले रह रहे थे। नियम कायदों का पालन करना, लोगों की मदद करना डॉक्टर श्रीधर का स्वभाव था। 12 अगस्त की रात भी वो हेलो कैब के एक ड्राइवर की मदद करने की बात कर रहे थे, लेकिन उसके बाद जो हुआ
वो उनकी कल्पना से परे था। और 13 अगस्त की रात दर्ज हुई डॉक्टर श्रीधर की मिसिंग रिपोर्ट पर नोएडा पुलिस द्वारा एक्शन लिया जा रहा था, लेकिन 14 अगस्त की सुबह तक नोएडा पुलिस इस अजीबोगरीब किडनैपिंग से अनजान थी। ये देखिए सर, 12 अगस्त की रात डॉक्टर श्रीधर तकरीबन 12:45 बजे नोएडा सेक्टर 15 के मेट्रो स्टेशन के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में एक हेलो कैब की कैब में बैठते नजर आए। हेलो कैब वाले से तुरंत पता करो उस कैब ने डॉक्टर श्रीधर को कहां छोड़ा था। ओके सर। जैन सर, बेंगलोर में हेलो कैब्स वालों का हेड ऑफिस है। उन्होंने बेंगलोर पुलिस के पास एक केस फाइल किया है कि 12 अगस्त की रात को हेलो कैब्स के एक ड्राइवर ने डॉक्टर ए श्रीधर नाम के किसी पैसेंजर का नोएडा से किडनैप कर लिया है। सर, कल रात हमारे यहाँ भी किसी डॉक्टर ए श्रीधर का मिसिंग केस फाइल हुआ है, वो भी नोएडा सेक्टर 15 के मेट्रो स्टेशन से बाहर। सर, 12 अगस्त की रात हेलो कैब्स की कैब में जाते हुए कैप्चर हुआ सीसीटीवी में। मतलब ये वही डॉक्टर श्रीधर है जिसके बारे में बेंगलोर पुलिस ने मुझे बताया? मतलब 12 अगस्त की रात जिस कैब में जाके डॉक्टर श्रीधर बैठे थे उसी कैब के ड्राइवर ने उनका किडनैप किया है। शर्मा, बेंगलोर पुलिस ने मुझे कुछ डिटेल्स भेजी हैं। आई मेल इट टू यू, स्टडी इट। तब तक मैं वहां पहुंचता हूं। सर, जय हिंद। सर, एनी अपडेट? सर, डॉक्टर श्रीधर किडनैप हुए हैं ये उनके फैमिली को नहीं पता, ऑफिस कॉलीज को नहीं पता, लेकिन ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है कि हेलो कैब के ड्राइवर ने डॉक्टर श्रीधर को किडनैप करके हेलो कैब में ही फोन करके क्यों बता दिया। अब ये तो ड्राइवर की कुंडली निकालने पे ही पता चलेगा। लेकिन सर, मैंने चेक किया, जिस नंबर से हेलो कैब्स को कॉल किया गया था वो डॉक्टर श्रीधर का ही नंबर है। डॉक्टर श्रीधर का फोन सर्वेलेंस पर डलवा दिया? यस सर, लेकिन फिलहाल वो नंबर बंद है, फिर भी मैंने कॉल रिकॉर्ड्स मंगवा लिए। जैसे ही कुछ पता चले मुझे अपडेट करते रहो। सर, वी हैव शेयर्ड एवरीथिंग विद नोएडा पुलिस। किडनैपिंग उनके टेरिटरी में हुई थी, सो दे आर हैंडलिंग द केस। डोंट वरी, दे विल क्रैक द केस। डॉक्टर श्रीधर की किडनैपिंग ने नोएडा से लेकर बेंगलुरु तक हड़कंप मचा दिया था। हैरानी की बात यह थी कि जिस हेलो कैब सर्विस को इंडिया की सबसे सेफेस्ट कैब सर्विस माना जाता है, उसी हेलो कैब के ड्राइवर ने अपने कस्टमर को किडनैप कर लिया था। सर, 12 अगस्त रात को 12:45 बजे डॉक्टर श्रीधर ने अपने हेलो कैब के मोबाइल एप्लीकेशन से कैब बुक की। फिर 11:57 पे उस कैब ने डॉक्टर श्रीधर को नोएडा सेक्टर 15 के मेट्रो स्टेशन से पिकअप किया। फिर नोएडा सेक्टर 15 से डॉक्टर श्रीधर का फोन वैशाली की तरफ ट्रैवल करता है और करीब 12:15 बजे वैशाली में ही उनका फोन स्विच ऑफ हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद 12:21 पे उस हेलो कैब के जीपीएस सर्विस को डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। फिर 13 अगस्त अगले दिन सुबह 4 बजे डॉक्टर श्रीधर का फोन हरियाणा के मानेसर में स्विच ऑन हुआ और उसके कुछ ही देर बाद डॉक्टर श्रीधर के फोन से पहली बार नोएडा के हेलो कैब कॉल सेंटर में कॉल किया गया था। हेलो कैब्स ग्राहक सेवा केंद्र में आपका स्वागत है। हिंदी के लिए एक दबाइए। हेलो कैब्स ग्राहक सेवा केंद्र से मैं ऋतु शर्मा बात कर रही हूँ, बताइए सर मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? ओ मैडम, गणिया भगत की जरूरत ना है, तने बेरा कितनी देर से इंतजार करने लग रहा हूँ तेरा। प्रतीक्षा के लिए हम क्षमा चाहेंगे सर। समाचार सुनाने की जरूरत नहीं है, काम की बात सुन। तेरा पैसेंजर ए श्रीधर, उसको अगवा कर लिया मैंने। माफी चाहेंगे सर हम। सर आप अपनी पर्सनल समस्या बता सकते हैं? अरे मैं तेरी समस्या बता रहा हूँ, तू मेरी समस्या पूछ रही है। अरे तेरे पैसेंजर को उठा लिया मैंने। देखिए सर हम माफी चाहेंगे लेकिन। लेकिन लेकिन छोड़, काम की बात सुन। तेरे एक पैसेंजर को उठा लिया मैंने और छोड़ने के पैसे लगेंगे। माफ कीजिएगा सर, इस विषय में हम आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकते हैं। अरे मदद नहीं मांग रहा, धमकी दे रहा हूँ। सारी बातें नहीं सुन रही। आपका कॉल होल्ड पर है, कृपया प्रतीक्षा करें। साला ये प्रतीक्षा जो है ना बहुत महंगी पड़ेगी तुमने। बेंगलोर पुलिस को हेलो कैब्स वालों ने बताया था कि पहली बार किडनैपर्स ने श्रीधर के फोन से कॉल नोएडा कॉल सेंटर में किया था और अब दूसरी बार भी किडनैपर्स ने श्रीधर के फोन से कॉल बेंगलोर हेड ऑफिस में किया। एक बात बताओ, क्या इस बार भी श्रीधर के फोन से कॉल पिछली बार की तरह मानेसर से किया गया था? नहीं सर, शाम के 4 बजे डॉक्टर श्रीधर का फोन हरियाणा के रिवाड़ी में स्विच ऑन हुआ था और तब डॉक्टर श्रीधर के फोन पे डॉक्टर श्रीधर के दोस्त डॉक्टर राजेश ने फोन किया था। आप हैं कौन? और ये तो डॉक्टर श्रीधर का नंबर है ना। अपनी माँ से जाकर पूछ तेरा बाप कौन है। साला आप हैं कौन? सर, किडनैपर ने राजेश को कहा था उसे डॉक्टर श्रीधर का फोन नोएडा सेक्टर 15 के मेट्रो स्टेशन के बाहर पड़ा हुआ मिला था।
ये हेलो कैब के ड्राइवर का नाम क्या है? श्याम सुंदर। उसने राजेश से बात करने के बाद बैंगलोर के हेलो कैब्स कॉल सेंटर में फोन किया था। हेलो कैब्स ग्राहक सेवा केंद्र से, मैं अतुल जोशी, आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? अरे अपनी रामायण छोड़, मेरी महाभारत सुन। श्याम सुंदर बोल रहा हूँ। हेलो कैब के लिए नोएडा में गाड़ी चलाता हूँ, सुन रहा है कि नहीं? जी सर, मैं आपको सुन सकता हूँ। हाँ तो गाड़ी का नंबर नोट कर। UP XX154J। नोट कराया? जी सर। हाँ तो सुन मेरी बात, कल रात को एक मद्रासी पैसेंजर ए श्रीधर ने मेरी गाड़ी बुक करी थी नोएडा सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन से मयूर विहार के लिए। तो मेट्रो स्टेशन से तो उसको उठा लिया मैंने, पर मयूर विहार नहीं पहुंचाया। बताऊं क्यों? किडनैप कर लिया उसको मैंने, मेरे कब्जे में है वो। अरे सुना है लकवा मार गया वो अंग्रेज की औलाद। जी मैं आपको सुन पा रहा हूँ सर। तो खाली सुन सुन रहा है, इतना चेक भी करा कौन श्याम सुंदर हूँ मैं? श्याम सुंदर जी, आप कोई मजाक तो नहीं कर रहे ना? मजाक मेरा साला लग गया तू। तू एक काम कर, वो अपने अफसर से बात करवा मेरी। और सुन, घनी देर होल्ड पे मत राखियो, नहीं तो देख ले तू। जी सर। सर आप लाइन पर रहिएगा। सर सर एक आदमी है श्याम सुंदर नाम का, उसने जस्ट अभी फोन किया है, वो बोल रहा है उसने किसी को किडनैप किया है रात से। क्या सर? वो आपसे बात करना चाहता है। ट्रांसफर फोन। जी 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 जी। श्याम सुंदर जी, आप तो हमारे बहुत होनहार ड्राइवर हैं, आपने पैसेंजर को किडनैप क्यों किया? ओ मैनेजर, मक्खन ना लाओ बावड़ी बुझ, जी मां कर लिया किडनैप। मगर आप जा क्या रहे हैं? अरे सारी फिल्म एक बार सुना दूं के? साले नंबर बता अपना, तेरी अंग्रेजी मशीन पसंद नहीं आती मने, कदे एक दबाओ कदे दो दबाओ, साले गिटर पिटर करे। अरे नंबर बता अपना। अरे बता आगे साले किसका। लेकिन सुन सुन, रुके रुके रुके, मैं बता रहा हूं नंबर, सुनिए ना। हां बोल। नंबर लिखिए 9820146 57। ओ मैनेजर, तुम मने तो ओन आर कहवा है, थरावा छोरी काम करे ना नोएडा में, रितु, कोई काम नहीं आता उसने। सुबह 4 बजे फोन कराया था, दो राइए करके फोन होल्ड पर धरके मेरा ना कित सुसुकरण बाजगी। निकाल दे उसने उड़ते। वैसे श्याम सुंदर जी, आप इस वक्त है कहाँ पर? तेरे लोग आएगे बगल में, आजा देख ले। सड़क कतिये बावली बुत समझ रहा। उस कॉल के बाद डॉक्टर श्रीधर का फोन दोबारा स्विच ऑन नहीं हुआ। हेलो कैब्स के बैंगलोर हेड ऑफिस के साथ मेरी बात हुई थी, फिर श्याम सुंदर ने ना मैनेजर को फोन किया ना कस्टमर केयर में। किडनैपिंग के बाद हेलो कैब के ड्राइवर ने डॉक्टर श्रीधर के घर वालों को फिरौती के लिए कोई कॉल नहीं किया, लेकिन हेलो कैब के बेंगलुरु हेड ऑफिस को अपने द्वारा की गई किडनैपिंग की जानकारी उसने क्यों दी? इस सवाल का जवाब इस केस को और भी सनसनीखेज बना देने वाला था। सर श्याम सुंदर की गाड़ी का नंबर UP XX154J को मैंने माने सर और रिवाड़ी पुलिस को भेज दिया, साथ ही बैंगलोर पुलिस से हमें श्याम सुंदर की जो फोटो मिली थी वो भी भेज दिया। अब एक काम करो, हरियाणा पुलिस को अपडेट करो, उनसे कहो अपनी 2 सर्च टीम बनाकर मानेसर और रिवाड़ी रवाना कर दें। और ये श्याम सुंदर का फोन सर्वेलेंस पर डलवा दिया? ये सर, लेकिन श्याम सुंदर का नंबर फिलहाल बंद आ रहा है, मैंने इसके कॉल डिटेल्स मंगवा लिया। इसके आईडी पे फरीदाबाद का एड्रेस है, मैंने राजन को भेज दिया वहाँ। सर हेलो कैब के लीगल डिपार्टमेंट को मैंने बोल रखा है श्याम सुंदर के सारे पेपर्स रेडी रखें। इस श्याम सुंदर तक जल्द से जल्द पहुँचना बहुत जरूरी है, डॉक्टर श्रीधर की जान को खतरा है। सर भाई गाड़ी रोक दे, अब हल्का होना है और ना रोक सकूं, अब चुपचाप बैठे रहो, थोड़ी देर की बात है पहुंचने वाला है भाई। और नल ना रुकने वाला आप। ओए जयंत, ले भाई इसने तेरा दौरा तर ले। अरे इसकी हड्डी मेरी किडनी में चुभ रही है। अरे नाना, अरे तो कर दे डॉक्टर पे, क्या हो गया? प्लीज स्टॉप द कार, आई वांट टू यूरिन प्लीज। अरे बावला हो गया है यूरिन। हिंदी में बोल। प्लीज कार रोकी प्लीज, मुझे सुसु जाना है प्लीज। भाई नली फट जाओगी, तो रोक दे, दो दो नलियों का सवाल है। एक चा नली फटा चाहे डॉक्टर की पेंट गिल्ली हुआ, गाड़ी नहीं रुकी आरती, चुपचाप बैठ जाओ। किडनैपर्स के साथ बीत रहा एक एक पल डॉक्टर श्रीधर के लिए खौफ भरा था, उन्हें एहसास भी नहीं था कि उनके साथ आगे क्या होने वाला था। वहीं बेंगलुरु, यूपी और हरियाणा के बाद अब राजस्थान पुलिस भी इस केस में इन्वॉल्व हो गई थी। राजस्थान हरियाणा बॉर्डर्स के साथ साथ हरियाणा के मानेसर
और रेवाड़ी में नोएडा पुलिस उन किडनैपर्स की लीड ढूंढ रही थी और उनको किडनैपर्स के अगले फोन कॉल का इंतजार था। चेन्नई में श्रीधर की फैमिली से भी कंफर्म कर लिया गया था कि किडनैपर्स ने उन्हें अभी तक कोई रैंसम कॉल तो नहीं किया था, लेकिन श्रीधर की किडनैपिंग की खबर ने उन्हें भी चौंका दिया था। ऐसा नहीं हो सकता, ये श्रीधर नहीं। भाई आराम से। अरे भाई ये कार्ड वैसे क्यों भीतरवा गया, जैसे पुलिस का कोई खबरी हो। भाई जी आपके बाथरूम में रिपोर्टिंग करने गया है सुसु। 2 घंटे से तंग कर रखा उसने। आ गया। ये 1.5 पसली कहाँ से ले आए, मुझे तो लगा कोई अंग्रेज होगा। अरे भाई ये किसी अंग्रेज से कम ना है, ये डॉक्टर है वो भी मद्रासी और घनी कसूती हिंदी बोल रहे हैं। खड़े के खड़े मर्द ने लुगाई बना देता है ये। भीतर डालो इन्हें, ना काम होने तो पहले निपट लेगा। चल चल साले काम का मजाक कर रहे। सुन पक्की बात है पैसा मिलेगा? एकदम पक्की बात है, सब ना जानू मैं। सुन तिबारा फोन किया था हेलो कैब वाले को? सर जब से श्रीधर का किडनैप हुआ है श्रीधर के फैमिली को कोई रैंसम कॉल नहीं गया है। मुझे लगता है किडनैपर श्रीधर फैमिली से नहीं हेलो कैब्स वालों से फिरौती मांगने वाले। अरे सुनी ये श्याम सुंदर यहीं रहता है? हाँ सर यहीं रहता है। इस वक्त वो कहाँ मिलेगा? सर श्याम सुंदर तो कुछ महीनों पहले अपने गांव वापस चला गया था। कौन से गांव? हरियाणा का कोई गांव है लेकिन कौन सा ये नहीं पता। अच्छा वो हेलो कैब में ड्राइवर था ना? जी। इसके अलावा वो और क्या काम करता था? पता नहीं साहब, लेकिन सुना है कि उसने हेलो कैब बहुत पहले ही छोड़ दी थी। छोड़ दी थी? जी। क्या श्याम ने हेलो कैब की नौकरी छोड़ दी थी? सर श्याम सुंदर के पड़ोसियों से तो यही पता चला है। ये भी तो हो सकता है उसने अपने पड़ोस में झूठ बोला हो। तुम पता करो कि श्याम हरियाणा में कौन से गांव का रहने वाला था। हम यहाँ हेलो कैब के नोएडा ऑफिस में आए हुए हैं लीगल सेक्शन में, शायद यहाँ से उसके गांव का कुछ पता चले। राइट सर। त्रिपाठी इस फोटो को आसपास के एरिया में सर्कुलेट करो, सबसे पूछताछ करो, शायद कोई जानता हो श्याम सुंदर का गाँव कहाँ है। यस सर। बेंगलुरु पुलिस और नोएडा पुलिस को जिस श्याम सुंदर का फोटो हेलो कैब कंपनी से मिला था वो चेहरा सामने आए 6 किडनैपर से बिल्कुल अलग था। और पुलिस इस बात से भी अनजान थी कि जिस श्याम सुंदर की वो तलाश कर रही थी डॉक्टर श्रीधर उसके साथ थे ही नहीं। तो फिर वो श्याम सुंदर कहाँ था जिसे हेलो कैब्स वाले और पुलिस किडनैपर समझ कर ढूंढ रहे थे? क्या उस श्याम सुंदर का इस किडनैपिंग में कोई हाथ था? ये साफ होने तक कई और चौंका देने वाली बातें सामने आने वाली थी। सर सारे क्रेडेंशियल्स मैंने चेक किए हैं और जो अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली किडनैपिंग से 2 दिन पहले श्याम सुंदर ने हमारी कंपनी को अटैच किया था। आपके कहने का मतलब है कि श्याम सुंदर ने सिर्फ 2 दिन पहले ही हेलो कैब्स ज्वाइन की थी? हाँ जी, और इनफैक्ट डॉक्टर श्रीधर उसका फर्स्ट पैसेंजर थे। सर इसका मतलब उस रात उस कैब में जाके जो भी पैसेंजर बैठता उसका किडनैप हो जाता। हमें ये भी पता चला है श्याम सुंदर के पड़ोसियों से कि श्याम सुंदर ने हेलो कैब्स की नौकरी छोड़ दी थी। हो सकता है सर कि श्याम सुंदर ने पहले हमारी कंपनी में काम किया हो और फिर छोड़ दिया हो और फिर बाद में 2 दिन पहले ही उसने ज्वाइन किया हो हमारी कंपनी को। डॉक्यूमेंट्स देख सकता हूँ मैं? ये सुनीता देवी कौन है? सर ये श्याम सुंदर जो गाड़ी चला रहा था वो गाड़ी सुनीता देवी के नाम पे ही रजिस्टर्ड है। सर इसमें सुनीता देवी का परमिशन लेटर भी है, सुनीता देवी के पूरे बैंक स्टेटमेंट्स हैं, उनका बैंक पासबुक की फोटोकॉपी है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, सर एक कैंसल्ड चेक भी इसमें अटैच्ड है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो श्याम सुंदर ने हमें सबमिट किए। अच्छा हमें पता चला है कि श्याम सुंदर हरियाणा का रहने वाला था, क्या आप हमें उसके नेटिव एड्रेस के बारे में बता सकते हैं? सर नेटिव एड्रेस का तो कोई डॉक्यूमेंटेशन है नहीं हमारे पास। शर्मा सर इस सुनीता से मिलो, शायद इससे हमें श्याम सुंदर के बारे में कुछ पता चले। जी सर। थैंक यू। This is a serious matter. और अगर ये बात पब्लिक हो गई तो हमारी कंपनी की रेपुटेशन स्टेक पर आ जाएगी। सर कहीं ये काम एंजॉय कैप्स का तो नहीं?
क्योंकि मार्केट में एक वही है जो हमारा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है. नो आई डोंट थिंक सो. और कोई भी कंपनी इस तरह का इलीगल काम तो नहीं करेगी ना. मेरे ख्याल सर वो किडनैपर का फोन आ रहा है. अरे बड़ा जल्दी फोन उठा लिया तने. ना जल्दी हम ना होनी चाहिए जल्दी तन्ना हो रही है. बढ़िया है. अच्छा सुन काम की बात. अपना कस्टमर सही सलामत चाहिए ना तो 5 करोड़ का इंतजाम कर ले. अच्छा तो सुन मेरी बात सुन. चिंता ना करिए. तेरी जेब तो एक फूटी कोड़ी नहीं चाहिए. सब तेरी मालिक की जेब तो चाहिए. तो एक काम करे ना अपने मालिक का नंबर दे दे. डील कर लूंगा मैं उससे. मैं आपको अपने सीनियर का नंबर देता हूँ ना. साले तेरे सीनियर के नंबर ना चाटूंगा मैं. घना तेज मत चल ले. जितना कहा उतना काम कर. ओके नाम है तेरे मालिक का भास्कर सबरवाल. नंबर भेज उसका. अरे सुना है फोन दर दिया. हाँ मैं आपको नंबर दे रहा हूँ आप नोट कीजिए. मैसेज कर दे. मैसेज का जमाना है. बाट देखूँ मैं. जल्दी कर साले. थोड़ी देर सुसु ना रोक सके था. अरे शर्ट तो बदल ली पैंट तो वही है. प्लीज अंडरस्टैंड इट्स अ मिस्टेक. तुम लोगों ने गलती की. कोई गलती नहीं करी डार्लिंग. तने पता नहीं तेरी कीमत की है. करोड़ों का है तू. करोड़ों का एक. ये सुनीता देवी का घर है? नहीं साहब, यहाँ कोई सुनीता देवी नाम की औरत नहीं रहती. What? सुनीता देवी वहाँ नहीं रहती? Yes सर, यहाँ सुनीता देवी को कोई नहीं जानता सर. यादव श्याम सुंदर ने जो भी डॉक्यूमेंट्स हेलो कैब्स में जमा किए हैं, उन्हें चेक करो. I think it's a blunder of हेलो कैब्स. Right सर. सर, अभी भी डॉक्टर श्रीधर के फोन से हेलो कैब्स कंपनी के मैनेजर को फोन किया गया था. श्याम सुंदर ने डॉक्टर श्रीधर के रिहाई के बदले में 5 करोड़ रुपए फिरौती मांगी और साथ ही हेलो कैब्स कंपनी के सीईओ भास्कर सबरवाल से भी बात करने की मांग की है. किडनैपर ने जब ये फोन किया तो श्रीधर का फोन कहाँ एक्टिव था? सर झज्जर हरियाणा. हरियाणा पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया मैंने. अपनी एक टीम को भी झज्जर भेजो. सर मानेसर और रेवाड़ी के बाद अब नोएडा पुलिस हरियाणा के झज्जर पुलिस की मदद से उन किडनैपर्स की लीड तलाश रही थी. लेकिन किडनैपर्स इतने शातिर थे कि उस रैंसम कॉल के बाद वो झज्जर से भी गायब हो गए. और उस रैंसम कॉल के बाद नोएडा पुलिस के SP ने हेलो कैब्स के CEO भास्कर सबरवाल से बात की. हेलो यस भास्कर सबरवाल. मिस्टर सबरवाल हमें पता चला है कि किडनैपर आपसे पर्सनली बात करना चाहता है. देखिए हम भी किडनैपर को जल्द से जल्द पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है. आप किडनैपर से बिल्कुल प्यार से बात कीजिए जब तक किडनैपर हमारे हत्थे नहीं चढ़ जाता. क्योंकि डॉक्टर श्रीधर की जान को खतरा है. डोंट वरी सर, मैं समझ गया हूँ कि मुझे उनसे कैसे बात करनी है. देखिए कोशिश कीजिएगा कि आप उससे थोड़ा वक्त मांग लें ताकि किडनैपर के दोबारा फोन करने की पॉसिबिलिटी बरकरार रहे. श्योर सर, आपने जैसा कहा है मैं बिल्कुल वैसे ही फॉलो करूंगा. जिस श्याम सुंदर को किडनैपर मानकर ढूंढा जा रहा था अब उसी श्याम सुंदर के नाम हुए फर्जीवाड़े के राज खुलने वाले थे. सर श्याम सुंदर जिस कैब को चला रहा था उसका रजिस्ट्रेशन नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता और सुनीता देवी की RC बुक भी फेक है. सर मुझे तो लगता है ये सुनीता देवी भी एग्जिस्ट नहीं करती है. लेकिन वो श्याम सुंदर, उसके एड्रेस से तो यही पता चला था कि वो वहां रहता था. ये श्याम सुंदर यही रहता? हाँ सर यही रहता है. इस वक्त वो कहाँ मिलेगा? सर श्याम सुंदर तो कुछ महीनों पहले अपने गांव वापस चला गया था. सर मैंने श्याम सुंदर के घर के रजिस्ट्री पेपर्स मंगवाए, शायद उससे हमें उसके नेटिव एड्रेस का कोई क्लू मिल जाए. लेकिन श्याम सुंदर के कॉल रिकॉर्ड से हमें कोई क्लू नहीं मिला क्योंकि श्याम सुंदर ने अपना नंबर हेलो कैब्स ज्वाइन करने से कुछ टाइम पहले लिया था. तो इसीलिए श्याम सुंदर के कॉल रिकॉर्ड्स में जितने भी नंबर्स हैं सारे हेलो कैब्स वाले के हैं. माना कि श्याम सुंदर की गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फेक है लेकिन ये पासबुक ये तो ट्रस्ट बैंक की है. उसके साथ ये चेक भी है. शर्मा एक काम करते हैं, ट्रस्ट बैंक वालों से मिलते हैं और राजन तुम जैसे भी हो श्याम सुंदर की कुंडली निकालो. ओके सर. जी सुनीता जी का अकाउंट हमारे ही ब्रांच में, लेकिन हमारे डाटाबेस में फादर का नाम अलग है और एड्रेस भी अलग है. लगता है ये फोटोकॉपी फॉर्ज्ड है. और ये चेक, ये तो सुनीता देवी का ही है ना? हाँ चेक में अकाउंट नंबर तो सेम ही है लेकिन सुनीता जी ने खुद हमें चेकबुक इशू करने से मना किया था क्योंकि उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था.
सर ये श्याम सुंदर बहुत ही शातिर दिमाग है, उसका पुलिस वेरिफिकेशन लेटर भी फेक था। सर ये बात तो साफ है कि उसने ये सारी प्लानिंग सिर्फ इस किडनैपिंग के लिए किया है। हैरानी वाली बात यह है कि हेलो कैब्स वाले ने इस श्याम सुंदर की कोई भी पेपर्स को या डॉक्यूमेंट्स को रिचेक नहीं किया, उसको ऐसे ही काम पर रख लिया और एक पैसेंजर की लाइफ को खतरे में डाल दिया। लापरवाही तो हुई है, लेकिन शर्मा कहीं ऐसा तो नहीं जिस श्याम सुंदर की तस्वीर को हम किडनैपर समझ रहे हैं वो किडनैपर हो ही ना, और उसकी आईडी भी फर्जी। अभी तो हमें यह भी क्लियर नहीं है कि श्याम सुंदर ही किडनैपर है या फिर कोई और है। भाई तू है बड़ा भोला, ना नाम पुच्छा ना शकल देख की सीधा गाड़ी में बैठ गया। सड़ा शकल तो नहीं, अकल तो भी उल्लू है तू। तेरी इतनी भी समझ में नहीं आई, जो श्याम सुंदर तने टैक्सी लेके बुलाया था वो आया ही नहीं। भाई मन लग गए, यो ना गाड़ी देख के बन गया, यो डॉक्टर नहीं मेंटल है मेंटल। सर श्याम सुंदर की जिस आईडी पर वो हेलो कैब चल रही थी उसे फर्जी तरीके से बनाया गया था, और ये बात भी सही है कि श्याम सुंदर पिछले 6 महीने से अपने गांव में था। सर उसके गांव का पता भी चल गया, वो मनियार का रहने वाला है और काफी दिनों से अपने गांव में ही था। लेकिन सर कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि उसका इस किडनैपिंग के साथ कोई कनेक्शन है। अगर ये नहीं तो फिर किडनैपर है कौन जिसने श्याम सुंदर बनकर डॉक्टर श्रीधर का किडनैप कर लिया? हेलो सर जी, हेलो कैब बुक की थी आपने? यस सर, यू मिस्टर श्याम सुंदर? हाँ जी, हाँ जी, बैठो। सर जी वो कोड बता दो। और अब खुद को श्याम सुंदर बताकर हेलो कैब वालों से 5 करोड़ की फिनौती मांग रहा। अच्छा सुन काम की बात, अपना कस्टमर सही सलामत चाहिए ना तो 5 करोड़ का इंतजाम कर ले। लेकिन सर वो जो भी हो, हेलो कैब के लिए वो गाड़ी भी चला रहा था और उनसे फोन पे बात भी कर रहा था। सर इतना बड़ा फ्रॉड बिना किसी के साठ गांठ के नहीं हो सकता। मुझे तो लगता है हेलो कैब कंपनी में ही कोई मिला हुआ है उसके साथ। सर कंपनी के वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट के लोगों से पूछताछ चल रही है और कंपनी ने अपनी इंटरनल इंक्वायरी भी शुरू कर दी है। आई होप इस डेड एंड के बाद हमें उन किडनैपर्स का कोई सुराग मिल जाए। होप सो। वो किडनैपर कौन थे इसकी कोई भी लीड नोएडा पुलिस को अभी तक नहीं मिल रही थी, और उनको ट्रेस करने का जरिया सिर्फ डॉक्टर श्रीधर का फोन था। लेकिन किडनैपर्स बार बार जगह बदल रहे थे इसलिए उन्हें ट्रेस करना भी मुश्किल हो रहा था। डॉक्टर श्रीधर को किडनैप हुए 1 हफ्ता गुजर चुका था और डॉक्टर श्रीधर के घर वाले चेन्नई पुलिस के जरिए लगातार नोएडा पुलिस के संपर्क में थे। वहीं हेलो कैब्स की कंपनी में हुए फ्रॉड और किडनैपिंग के बाद कंपनी अपनी साख बचाने की कोशिश में जुट गई थी। उस ड्राइवर ने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स नकली दिए तो उसकी कार हमारी कंपनी से अटैच कैसे हो गई? सर एक्चुअली जिस श्याम सुंदर की आईडी से कार अटैच थी वो हमारी कंपनी से पहले काम करता था तो। ओ शट अप, मुझे कुछ नहीं सुनना है, और जिससे भी गलती हुई है ना उसके खिलाफ आप स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे इमीडिएटली, और अगर ये गलती कहीं आपसे हुई है ना तो आप भी बचेंगे नहीं, मैं किसी को छोड़ने नहीं वाला हूं। नाउ प्लीज गो। ईमानदारी का तो जमाना ही नहीं रहा, थोड़ी सी बेईमानी दिखाई और तेरे से बात होने लग गई। What do you want? गणी अंग्रेजी मत जाड़। तुम क्या चाहते हो? पूरी रामायण खत्म होगी, तू पूछ रहा राम कौन है? तेरे स्टाफ ने बताया नहीं 5 करोड़ रुपए चाहिए मुझे? ठीक, मैं आपको पैसे दे दूंगा लेकिन मुझे उसके लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए होगा। टाइम टूम ना है मेरे दुरा, उधार नहीं मांग रहा तेरे से, टाइम चाहिए, बहाना मत बना। देखिए पैसे मुझे अपने पर्सनल अकाउंट में से निकालने पड़ेंगे और बैंक आपको अलाउ नहीं करता इतनी बड़ी रकम एक साथ निकालने के लिए। लेकिन मैं कोशिश करूंगा, मैं आपको जल्द से जल्द पैसे दे पाऊं। अच्छा ठीक है, दिए 2 दिन। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि डॉक्टर श्रीधर सही सलामत हैं? साले उसकी वीडियो भेज दूंगा मैं तुम्हें, ठीक है? उठो रे, रे उठो। आ भी अंग्रेज, जूस वूस मंगवा दूं तेरे लिए। अरे तू बड़ी ना करे, कंपनी वाले ने तो हाँ कर दी पैसे के लिए,
मैंने कहा था ना करोड़ों में एक। ओ भाई क्या कह रहे हैं? पैसे आ रहे हैं? ओ बेटे, ओ पैसे आ रहे हैं, करोड़ों करोड़ों पैसे आ रहे हैं। साला डट जाओ, पड़ोस में बेरा लग जाएगा। साला शर्म नहीं आती तुमने, थारी गोली की आवाज में डेढ़ पसली मर जा गए हो। सही सलामत की वीडियो भेजनी है इसकी, जब तो पैसे आओगे। चल इसका मुंह दो, साला दुल्ला बनाओ इसने, जब तो दे जाओगा। चलो तैयार करो ने। दुल्ला बनेगा छोरा आज। दुल्ला बनाना है तुमने? अरे परे ना जाके पूछ दे ना। गाना सुथरा लग गया है मेरे भाई। बस हो गया बॉस, बन गया हीरो। बेटा बात सुन, हाँ कैमरे में ओके कहना था तू। माई सेल्फ बोल कैमरे में। आई एम श्रीधर, प्लीज सेव मी। सारे समाई ये नो। हाँ नो क्या मत करना समाई। आई एम श्रीधर, प्लीज हेल्प मी। सॉरी क्या हेल्प? स्माइल, मुस्कुराहट। आई एम श्रीधर, किडनैपर्स ने कॉल करने के बाद ये वीडियो हेलो कैब के सीईओ भास्कर सबरवाल को भेजा है। इस बार कॉल भिवानी के आलीनगर से आया था। शर्मा, अभी तक ये लोग लगातार हरियाणा में ट्रेवल कर रहे हैं, हो सकता है अगली बार ये भिवानी से पंजाब बॉर्डर की तरफ जाएं। सर, मैंने हरियाणा पुलिस को पंजाब बॉर्डर और भिवानी के चारों तरफ नाकाबंदी अलर्ट करने के लिए बोल दिया है। लेकिन सिर्फ इस तरीके से हम इस केस को ट्रेस नहीं कर सकते। We need to figure out कि ये किडनैपर कौन है। इसकी आइडेंटिटी हमें मिलेगी तभी इस केस में हमें कोई लीड मिलेगी कि अगर ये किडनैपर श्याम सुंदर नहीं तो फिर कौन है। किडनैपर्स अब भी पुलिस की पहुंच से दूर थे और पुलिस किडनैपर्स की असल पहचान पता करने के लिए किडनैपिंग में इस्तेमाल हुई कैब से जुड़ी जानकारियों से उस कैब का असल रजिस्ट्रेशन नंबर पता करने की कोशिश कर रही थी। कामया मोटर। शर्मा, हो सकता है ये कामया मोटर कोई कार डीलर हो जिससे किडनैपर्स ने कार खरीदी हो। पता करो ये कामया मोटर है कहां पर, किस जगह पे है, शायद इससे हमें कार और किडनैपर के बारे में कोई लीड मिले। सर, वाटर, पानी प्लीज। पानी पिया दो रे ने, प्लीज ले पी ले। सुरेश भाई, सोचो अगर कंपनी वालों ने पैसे नहीं दिए तो पैसे आएंगे कहां से? ढंग की बात कर, बकवास ना कर। नहीं, मैं तुम्हें कह रहा था इसके घर वालों को भी तो पता होना चाहिए कि इनका बेटा आया कहां। ये श्रीधर अन्ना का वीडियो किडनैपर्स ने भेजा है। आई एम श्रीधर, प्लीज हेल्प मी, प्लीज सेव मी। यो श्रीधर। प्रकाश, पुलिस को और डॉक्टर राजेश को फोन करो जल्दी। स्माइल कर रहा, स्माइल स्माइल कर। रो मत बेटा, रो मत। सर, अभी कुछ देर पहले ही डॉक्टर श्रीधर की फैमिली को किडनैपर्स ने वीडियो भेजा है। सर, डॉक्टर श्रीधर की फैमिली वाले बहुत ही सीधे साधे लोग हैं, उनके लिए ये सब बर्दाश्त कर पाना बहुत मुश्किल होगा सर। आप प्लीज जल्दी कुछ कीजिए सर। आप फिक्र मत कीजिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। कोशिशों की इस कड़ी में हेलो कैब्स के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट की इंटरनल जांच में सामने आया कि हेलो कैब्स के डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने वाले एक एग्जीक्यूटिव ने सिर्फ 1500 रुपए की रिश्वत लेकर उस अनाम किडनैपर को श्याम सुंदर की आईडी से हेलो कैब से जुड़ने की हरी झंडी दे दी। उस एग्जीक्यूटिव को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। उस अनाम किडनैपर की पहचान क्या थी, वो दिखता कैसा था,
रिश्वत लेने वाले हेलो कैब के एग्जीक्यूटिव को उससे जुड़ी कोई भी बात याद नहीं थी। डॉक्टर श्रीधर के साथ अब क्या होने वाला था, इस सवाल से फिलहाल हर कोई बेबस नजर आ रहा था। श्रीधर को मैं जरूर वापस लेकर आऊंगा, आप लोग कोई टेंशन मत लेना। ओके श्रीधर। वाटर, पानी प्लीज, पानी, गिव मी वाटर, पानी। यू फैमिली क्या? अरे सुन, यू फैमिली नो, यू विद हमारे साथ। अगर कंपनी नॉट गिविंग मनी, योर फैमिली गिविंग मनी। हाँ मेरा फैमिली गरीब है। अरे सुना तुम लोगों ने, कंगाल नहीं है लोग, कड़े तो देवेंगे आप पैसे। ऐसे कैसे भाई साहब, मेरे गांव के डॉक्टर ने छोटे से खोखे से महल बना लिया, ये मुझे नल्ला डॉक्टर लगता है। मतलब प्लान बी फेल। कोई प्लान बी नहीं, प्लान ए ही रहेगा। हाँ भाई डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल? प्राइस की वीडियो भेज दे बात करना। अभी भेज दे भाई साहब, परसों तो इसका हैप्पी बर्थडे है। अच्छा हा? परसों होगी पार्टी फिर। फुल सेलिब्रेशन। सर कामया मोटर्स का शोरूम रोहतक में है, और शोरूम के मैनेजर ने बताया कि उस मॉडल की गाड़ी वहीं से खरीदी गई थी। जी हाँ, इस ब्रांड की गाड़ी का मॉडल 2 साल पुराना है और हमने इसके करीब 600 गाड़ियां बेची। इस मॉडल के अलग अलग कलर की अब तक आपने कितनी गाड़ियां बेची होंगी? करीब करीब 1500 गाड़ियां बेची हैं सर। उन सभी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर और उनके ओनर्स की डिटेल हमें दीजिए। ओके सर। शर्मा सर, उन गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर और उनके ओनर्स की डिटेल हेलो कैब वालों को भेजो। उनसे कहो कि पता करें इनमें से कौन कौन सी गाड़ियां उनकी कंपनी के साथ अटैच हैं, शायद इसी तरीके से हम किडनैपर तक पहुंचे। ओके सर। पुलिस अब एक संभावना के जरिए किडनैपर्स की लीड तलाशने की कोशिश करने में जुटी थी, वहीं कंपनी की बदनामी के डर से हेलो कैब्स के सीईओ भास्कर सबरवाल डॉक्टर श्रीधर को छुड़ाने के लिए किडनैपर्स को 5 करोड़ देने का भी फैसला कर चुके थे। हेलो, राम राम, कब दर्शन करवा रहा है पैसों के? हमने आपके पैसों का इंतजाम कर दिया है, लेकिन आपने क्या हालत कर दी डॉक्टर श्रीधर की? मेरा जीजा लग गया जो आरती उतारू है इसकी। गाड़ी चपर चपर ना करे, ना एक सेकंड में खत्म कर लूंगा इसे। नो, देखिए देखिए, प्लीज प्लीज प्लीज, मेरा मतलब वो नहीं था। देखिए आप प्लीज डॉक्टर श्रीधर के साथ ऐसा कुछ भी मत कीजिए, मैं आपको पैसे दे रहा हूँ ना। हाँ तो पैसे का फोटो भेज। हेलो, मैंने अभी आपको फोटो सेंड किए, आप चेक कर लीजिए। रे यो केक रहता ना, 500 के नोट के फोटो भेज दिए, कौन गिनेगा इतने पीस है? 2000 के बंडल भेजियो। देखिए लेकिन सिर्फ 2000 रुपए के नोट इतनी जल्दी तो अरेंज नहीं हो पाएंगे ना, थोड़ा वक्त लगेगा। साले हर चीज में टाइम चाहिए इतने। चल ठीक है दिया, पर सुन, इतने डॉक्टर की चिंता ना कर, पूरा ख्याल रख रहे हैं इसका हम। कल हैप्पी बर्थडे है इसका, मनाओगे। अब ये तेरे ऊपर है। केक कट गया। सर कामया मोटर्स में बेची गई गाड़ियों के जितने भी रजिस्ट्रेशन नंबर्स आपने हमें शेयर किए हैं, हमारी टीम उसे टैली कर रही है, और सर डाटा बहुत ज़्यादा है, लेकिन करीब आधे से ज़्यादा काम हो चुका है और हम जल्द से जल्द आपको डिटेल शेयर करेंगे। अरे ज़्यादा परेशान ना कर डॉक्टर साहब, अरे बैठो आराम से। हाँ अरे थोड़ा मुस्कुरा भी दो। अरे आज तो आपके बर्थडे है डॉक्टर साहब, अरे मांग लो, क्या मांगना है? अरे मांग लो। ऐसे नहीं चलेगा डॉक्टर साहब, हैं? अरे आप तो वो उल्लू हो जिस पे बैठ के लक्ष्मी मारने वाली है, कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा, केक या ड्रिंक। अरे बोल दे भाई आ गए। क्या तुमने ना बोलने की जिद लगा रखी है, हाँ कभी तो हाँ बोल दिया करो। ये देखो आपके लिए ये रही ड्रिंक और ये रहा केक। डालो टोपी। हैप्पी
birthday to you. Happy birthday, dear doctor. Happy birthday. कामिया मोटर्स द्वारा बेची गई 1500 गाड़ियों में से 120 की चेसिस नंबर हमारे डेटाबेस से मैच करती है। इन गाड़ियों में से एक भी गाड़ी ऐसी है जो आपको सस्पिशियस लगती है? सर, इनमें से एक गाड़ी सुरेश कालरा के नाम से है, जिसे हमारी कंपनी ने ब्लैकलिस्ट कर दिया था। सुरेश कालरा, 9 दिनों की लगातार कोशिशों के बाद आखिरकार पुलिस ने उस किडनैपर की पहचान पता कर ली, जिसने हेलो कैब्स की एक कैब में 12 अगस्त की रात को डॉक्टर श्रीधर को नोएडा के सेक्टर 15 के मेट्रो स्टेशन के बाहर से किडनैप किया था। लेकिन फिरौती की रकम ना देने पर डॉक्टर श्रीधर को जान से मार देने की धमकी देने वाले इन खूंखार और सरफिरे किडनैपर से क्या नोएडा पुलिस डॉक्टर श्रीधर को सही सलामत बचा पाएगी? ये हम जानेंगे कल रात 11 बजे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। कल रात 11 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 सबक 1 को सीख हम सबको। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।